हेलो गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे फियर स्ट्रीट पार्ट 3 को। उससे पहले गाइस, हमारे चैनल को आपके सपोर्ट की ज्यादा जरूरत है, तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आपने इस मूवी के पहले दो पार्ट्स का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा हो तो उन्हें जरूर देखें, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि डीना ने सारा फियर के हाथ को उसके बॉडी से मिला दिया था, जिसके चलते डीना समय में पीछे 1666 में पहुंच गई है। अब इसके आगे पार्ट 3 में हमें सारा फियर की स्टोरी दिखाई जाती है, जिसमें डीना सारा फियर का रोल करती नजर आती है, जो अब सारा फियर की स्टोरी अपने आंखों से देखेगी। आगे हम सारा फियर के भाई हेनरी को देखते हैं, जहां वो अपने पिक्स की डिलीवरी कर रहे होते हैं, जो वहां अपने पिता जॉर्ज के साथ रहते थे, मतलब के शेडी साइड और सनीवेल अलग होने से पहले वाला यूनियन। डीना के पिता उसकी शादी सोलोमन गुड नाम के इंसान से करवाना चाहते थे, जो उसे पसंद नहीं था। फिर डीना उसके पास जाने के लिए निकलती है, जो उस गांव से बाहर रहता था। इस थर्ड पार्ट में हम पिछले सभी कैरेक्टर्स को देखते हैं, जो उन सब के पूर्वज है, जो यहाँ अलग अलग रोल्स प्ले कर रहे हैं, जैसे कि डीना की फ्रेंड है लिजी, सिमोन है आइजैक, जिगी बर्मन है कॉन्स्टेंस और सिंडी है एबिगेल। और यहाँ भी डीना और सैम लवर्स है, जो कि सैम इस पार्ट में हैना मिलर का रोल प्ले कर रही है, और उसकी माँ ग्रेस और उसके पिता जो कि वहाँ एक पैस्टर है साइरस मिलर, और टॉमी जो कि इस पार्ट में थॉमस का रोल प्ले कर रहा है। ये सभी फ्रेंड्स रात को पार्टी करने का प्लान बनाते हैं इस टाउन से बाहर एक जंगल में, जहाँ एक औरत रहा करती है जिसे गांव वालों ने विच कहकर उसे गांव से बाहर निकाल दिया था, जिसका नाम मेरी है, जिसके पास बेरीज फ्रूट्स थे जो उन सब फ्रेंड्स के लिए ड्रग्स का काम करने वाले थे। शाम को लिजी, सारा और हैना उस वीड़ो के घर बेरीज चुराने के लिए जाते हैं। उस घर में ऑकल्ट करने की सभी चीज होती है। तभी सारा को वहाँ एक बुक मिलती है जिसमें इविल को बुलाने के तरीके होते हैं। डीना उसे पढ़ती है कि तभी वहाँ मेरी आ जाती है और उन्हें डांटती है, तब ये तीनों वहाँ से भाग जाती है। सब पार्टी करने आए फ्रेंड्स को लिजी वो बेरीज देती है, जिसे खाकर सब नशे में धुत हो जाते हैं। वहाँ कैलेब नाम का इंसान हैना पे जबरदस्ती करता है, जहाँ सारा उसका सबके सामने इंसल्ट कर देती है। फिर आगे हैना और सारा सबसे अलग होके एक दूसरे से बात करते हैं, और आगे वो दोनों किस भी करते हैं कि तभी उन दोनों को कोई देख लेता है, जिससे हैना काफी डर जाती है, क्योंकि उस टाइम ये सब करना पाप था और उसकी सजा फांसी थी, जिनको देख रहा था थॉमस। अगले दिन सुबह सारा अपने डॉग मेरी बॉय को ढूंढ रही थी, जो उसे मिल नहीं रहा था। तभी हैना उसके पास आती है और उसे बताती है कि उसके पिता को कुछ हो गया है, यानी कि वो पजेस हो चुका था। हैना सारा को बाइबल दिखाकर उसे कहती है कि उन दोनों ने रात को जो किया वो पाप था, जिसकी सजा उसके पिता को मिल रही है। तभी वह हैना की माँ आ जाती है, जो काफी गुस्से में थी। वो सारा को धक्के मार के घर से बाहर निकाल देती है, क्योंकि थॉमस ने सबको उन दोनों के बारे में बता दिया था। तब बाहर सब लोग सारा की तरफ देख रहे थे, और उसके घर उसके पिता को भी ये सब पता चल गया था। हम आगे देखते हैं कि सारा के घर में सब खाना सड़ चुका था, और उसके पिग ने उसके ही बच्चों को खा लिया था। उस गांव में धीरे धीरे पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने लगी थी। गांव में सभी लोगों का खाना सड़ने लगा था, और उस गांव के कुएं से एक डॉग की बॉडी गांव वाले निकालते हैं, जो सारा का डॉग था। गांव वालों को लगता है कि ये सब किसी डेविल का काम है, और डेविल को किसी गांव वाले ने ही बुलाया है। किसी ने वहाँ पाप किया है, इसलिए शैतान वहाँ आ गया है। तभी सारा से मिलने सोलोमन वहाँ आता है, जिसे सारा सब कुछ बताती है उसके और हैना के बारे में। सारा को लगता है कि कल रात उन्हें डेविल ने ही देखा था। सोलोमन उसे समझाता है कि तभी उन्हें बाहर चिल्लाने की आवाजें आती है। पजेस हुए पैस्टर मिलर ने अपने आप को 12 बच्चों के साथ मीटिंग हॉल में बंद कर लिया था। ये मीटिंग हॉल पार्ट 2 वाला मेस हॉल था। सोलोमन दरवाजा तोड़ के अंदर जाता है, तो वो बहुत सारी आंखों को देखता है, जो उन बच्चों की थी जिनको पैस्टर ने मार दिया था, जिनमें कॉन्स्टेंस और सारा का भाई हेनरी भी था। पैस्टर सारा को मारने जाता है कि तभी सोलोमन उसे मार देता है। तब सब रात को एक मीटिंग रखते है, जिसमें वो सब कहते हैं कि पहले जैसा ठीक करने के लिए हमें दोषी को मारना होगा। पर वह सोलोमन कहता है कि दोषी पैस्टर ही था, जो कि अब मर चुका है। पर सोलोमन की बात कोई नहीं सुनता। तभी कैलेब अपना बदला लेने के लिए वहाँ कहता है कि उसने सारा और हैना को नेकेड देखा था, जो शैतान के साथ मिली है। फिर सब लोग हैना और सारा को विच मान लेते हैं, जहाँ उन दोनों को फांसी देने का डिसीजन वो लोग लेते हैं। सब लोग सारा और हैना को ढूंढने लगते हैं। हैना की माँ हैना को लोगों के हवाले कर देती है। अब बची थी सारा, तो सब लोग उसे ढूंढने लगते है। सारा फिर हैना के पास पहुंचती है, जो कैद थी। हैना सारा को भागने के लिए कहती है, पर सारा वहां से भागने के लिए मना कर देती है। हैना उसे बताती है कि अब लोग उन्हें विच समझते हैं, तो सारा उसे बताती है कि क्यों ना हम सच में डेविल को बुला ले, ताकि हम उन सब से बच जाए, क्योंकि वहां पर उन दोनों की कोई सुन नहीं
रहा था, सभी उन्हें मारने के लिए ढूंढ रहे थे। तब सारा उस वीड़ो के घर यानी मेरी के पास पहुंचती है, लेकिन मेरी को किसी ने पहले से ही मार दिया था और वहां से वो बुक भी गायब थी। तो फिर सारा सीधा सोलोमन के पास जाती है, जिसे वो सब बताती है कि किसी ने डेविल के साथ डील की है, इसलिए ये सब हो रहा है। तभी वहाँ कैलेब अपने कुछ साथियों के साथ सोलोमन के घर पहुँचता है सारा को ढूंढने के लिए। तब सारा सोलोमन के घर के बेसमेंट में डोर बंद करके छिप जाती है। सारा उस अंडरग्राउंड रूम में आगे बढ़ती हुई पहुँच जाती है विच मार्क तक, जिसे हमने पार्ट टू में देखा था। और वहाँ पर वो बुक भी होती है जो मेरी के घर से गायब थी, यानी कि इन सब के पीछे सोलोमन का ही हाथ था, जो सारा को सब सच सच बता देता है कि उसी ने ही डेविल के साथ डील की है और उसने ही पैस्टर को पजेस किया था। और उस रात जंगल में सारा और हेना को सोलोमन ने ही देखा था। सोलोमन सारा को बताता है कि वो पावर्स और गरीबी मिटाने के लिए ये सब कर रहा है, लेकिन सारा इस बात को मान नहीं रही थी। वो उससे कहती है कि उसने उसके भाई को मारा है। सारा फिर ये बात सभी को बताने जाती है, लेकिन सोलोमन तभी उस पे पत्थर से वार कर देता है। फिर तभी सारा उस पे चाकू से वार करके किसी तरह से बच के भागती है। भागते समय उसे वो धड़कती हुई अजीब सी चीज भी दिखती है और आगे जाके वो उस जगह पहुंच जाती है जो पार्ट टू में हमने आउट हाउस देखा था। सारा ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है कि तभी सोलोमन वहां आके सारा पर अटैक कर देता है, जिसमें सारा का हाथ कट हो जाता है जो वहां पत्थर पर गिर जाती है, जहां पार्ट टू में एलिस को वो हाथ यही से मिला था। सारा फिर किसी तरह वहां से बाहर निकलती है, जिसका एग्जिट मीटिंग हाउस में है, जो पार्ट टू में मेस हॉल था। सारा बाहर आके देखती है कि हेना को वहां चेन से बांधा हुआ था। वो कुछ कर पाती इससे पहले सोलोमन उसे पकड़कर गांव वालों से कहता है कि उसने विच को पकड़ लिया है। तब सभी गांव वाले सारा और हेना को फांसी के लिए उसी पेड़ के पास ले जाते हैं। उन्हें अपना गुनाह कबूल करने के लिए सब कहते हैं, लेकिन वो नहीं करते। लेकिन सारा हेना की जान बचाने के लिए कह देती है कि उसी ने ही डेविल को बुलाया था और हेना भी डेविल के वजह से पजेस हो गई थी और वो कोई विच नहीं, सारा फियर ही है। इतना सुनकर उसे फांसी दी जाती है और हेना को छोड़ दिया जाता है। फांसी देते वक्त सारा सोलोमन से कहती है कि ये मेरा अंत नहीं है, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। सारा के बॉडी को उसी पेड़ के नीचे दफना दिया जाता है, लेकिन बाद में उसके फ्रेंड्स वहां आके उसके बॉडी को दूसरी जगह अच्छे से दफना देते हैं और उन्होंने ही वो पत्थर वहां दफनाया होता है जिसपे लिखा था कि विच हमेशा जिंदा रहेगी। यहाँ अब हमें पता चलता है कि सारा फियर कोई विच नहीं थी, ये सब सोलोमन और उसके पूर्वजों का किया धरा था। यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आती है 1994 में, जहाँ डीना को अब सब पता चल गया था, वो सब सोच में पड़ गई थी। तभी वहाँ शेरिफ गुड आता है डीना को ढूंढते हुए। डीना अपने भाई जॉश को लेकर छिप जाती है और जॉश को सब सच बता देती है कि शेरिफ गुड ही इविल है जो ये सब कर रहा है। डीना फिर शेरिफ को फंसा कर उसकी ही कार लेके भाग जाती है। डीना जॉश को बताती है कि शेरिफ गुड और उसका परिवार ये सदियों से कर रहा है, जो वॉल पर शेडी साइडर का नाम लिख के डेविल को उसके सोल की बलि देते हैं और जो चाहे वो पा लेते हैं, और जिन्हें भी उनके बारे में पता चलता है वो सारे किलर्स को उसके पीछे लगा देते हैं। डीना और जॉश फिर पहुंचते हैं जिगी बर्मन के घर, यानी कि सी बर्मन। उसे भी वो सब सच सच बता देती है, जो सुनकर उसे भी शॉक लगता है। अब डीना और वो सब प्लान बनाते हैं कि हम सारे किलर्स को तो नहीं मार सकते, लेकिन जिसने ये किया है उसी को अब उन्हें मारना होगा, यानी कि शेरिफ गुड को। फिर वो जाके मिलते हैं मार्टिन को, जिसके शेरिफ के साथ जमती नहीं थी। मार्टिन को डीना सब सच बता देती है, तब जाके मार्टिन को यकीन हो जाता है। फिर वो सब प्लान करते हैं। वो लोग डीना के ब्लड में पानी और पेंट मिलाकर किलर्स के लिए रास्ता बनाते हैं और थोड़ा पानी उन्होंने वाटर गन्स में भर लिया था। थोड़ी देर में वहाँ किलर्स आ जाते हैं। टॉमी, हैरी रुकर, रायन और शेम किलर चार अलग अलग स्टोर्स में बंद कर देते हैं। तभी वहाँ शेरिफ आ पहुंचता है। जिगी उसके पास उसे फंसाने के लिए जाती है। तभी जिगी शेरिफ के ऊपर डीना का ब्लड गिरा देती है। अब वो सारे किलर्स को छोड़ देते हैं, क्योंकि अब शेरिफ के ऊपर डीना का ब्लड था और वो किलर्स उसे भी मार देंगे। लेकिन शेरिफ जिगी को पकड़ लेता है। जिगी को खतरे में देख डीना अपना ब्लड निकाल के किलर्स का ध्यान अपने तरफ खींचती है। तभी शेरिफ वहां से भागता है और एक रूम में चला जाता है, जिसका डीना पीछा करते हुए चली जाती है। उसके पीछे वही रूम होता है जो मेस हॉल था और मीटिंग हॉल, यही से वो दूसरी एग्जिट थी। शेरिफ उसके अंदर जा चुका था, तो डीना भी उसका पीछा करते हुए जाती है और सैम भी डीना के पीछे चली जाती है। बाहर जिगी, जॉश और मार्टिन ने
किलर्स पर डीना का ब्लड डाल दिया था, तो किलर्स अब एक दूसरे को ही मारने लगते हैं। तभी वहाँ रूबी लेन और हम्प्टी डम्प्टी किलर पहुंच जाते हैं और उनके पास अब डीना का ब्लड भी नहीं था, इसलिए वो सब मुश्किल में पड़ जाते हैं। वहाँ सैम डीना को पकड़ लेती है लेकिन डीना उसे चालाकी से बेहोश कर देती है, लेकिन आगे जाते ही शेरिफ डीना के ऊपर चाकू से अटैक कर देता है। तभी डीना शेरिफ का हाथ उस धड़कती हुई चीज पर रख देती है जिसके चलते उसे भी विजन्स आने लगते है। मौके का फायदा उठाकर डीना शेरिफ को मार देती है। उसके मरते ही सारे किलर्स विच मार्क और सारे नाम भी गायब हो जाते हैं और सैम भी ठीक हो जाती है। ये सब होने के बाद वो दोनों उस अंडरग्राउंड टनल से बाहर आते हैं जिसकी ओपनिंग शेरिफ के घर में होती है। घर के बाहर आते ही हम एक एक्सीडेंट को देखते हैं जिससे पता चलता है कि सनीवेल में भी अब एक्सीडेंट्स हो रहे हैं डेविल के जाते ही। अब न्यूज में शेरिफ को सनीवेल का सीरियल किलर बताया जाता है और उसका भाई मीडिया से नजर छुपाते दिखता है। दूसरी तरफ सालों बाद जिगी जाती है नर्स लेन के घर उसकी डायरी वापस करने के लिए। अब शेडी साइड में भी सब कुछ नॉर्मल हो रहा था। डीना जॉश को स्कूल छोड़ती है जहाँ एक लड़की जॉश को अपनी आईडी देती है जो होती है जिससे जॉश पार्ट फर्स्ट से बातें कर रहा था। डीना और सैम भी अब एक साथ थे और वो दोनों अब काफी खुश थे। लास्ट में हम देखते हैं कि वो बुक वहीं पर अंडरग्राउंड टनल में थी जिसे पुलिस ने सील कर दिया था, लेकिन वहाँ कोई आके उस बुक को उठा के ले जाता है और मूवी यहाँ एंड होती है। अब इससे हम समझ सकते हैं कि इस मूवी के और भी पार्ट्स आ सकते हैं। तो ये था फेयर स्ट्रीट 1666 का एक्सप्लेनेशन। ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।